हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे टेक इन मिनट्स पे। आप देख रहे हैं टेक इन मिनट्स और मैं हूं रोहित। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं वन प्लस नोड को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को फटाफट। तो दोस्तों ये है मेरे पास वन प्लस का बॉक्स, जिसे हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर हमारा वन प्लस का नोड हमें फ़ोन देखने को मिलता है। और इस फ़ोन के साथ हमें तीन केस देखने को मिले हैं, जो कि स्काई ब्लू, रेड और हमें ब्लैक कलर में केस देखने को मिला है। इस केस की अगर मैं बात करूँ तो ये केस बहुत ही मुझे सॉफ्ट मटेरियल देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जिससे हमारा फ़ोन बिल्कुल रहेगा सिक्योर। इसे करते हैं साइड, हम फ़ोन को करते हैं यहाँ पर अनबॉक्स, जिसमें यहाँ पर मैं इसका रैपर को उतारता हूँ। तो दोस्तों रैपर उतारते ही हम इसकी लिड को हटाते हैं। लिड को हटाते के सामने हमें हमारा फ़ोन देखने को मिल जाता है, जिस पर लिखा हुआ है दिस वे नोड। इस फ़ोन को मैं निकालता हूँ बाहर, और बाहर निकाल के फ़ोन तो मुझे बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। फ़ोन को करता हूँ मैं साइड, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर बॉक्स की। तो हमें यहाँ पर कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर 30 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 70% चार्ज कर देगा ओनली 30 मिनट्स के अंदर। और इसी के साथ रेड कलर की हमें केबल मिलती है, जो कि ए टू सी केबल हमें यहाँ मिलती है। तो हम बॉक्स को कर देते हैं साइड और हम आते हैं हमारे फ़ोन पे। तो फ़ोन का हम हटाते हैं रैपर और देखते हैं इसका फर्स्ट लुक, हमें इसका क्या लुक देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर जो लुक इसका देखने को मिलता है, और जो फ़ोन प्रीमियम क्वालिटी जो मुझे इसके अंदर फील हो रही है, बहुत ही बढ़िया फील हो रही है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके फिजिकल ओवरव्यू की, जहाँ पर हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन, राइट साइड में हमें देखने को मिलता है पावर लॉक अनलॉक बटन अलर्ट स्लाइडर के साथ, लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम रॉकर, और नीचे हमें देखने को मिलता है ड्यूअल सिम ट्रे, प्राइमरी माइक, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, और इसी के साथ हमें देखने को मिलती है स्पीकर ग्रिल। तो यहीं पर ये फ़ोन हो गया है मेरा बूट। यहीं पावर बटन के ऊपर हमें अलर्ट स्लाइडर, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। बात करते हैं इसके कवर की, इसके बैक साइड की। जो ये बहुत ही प्रीमियम कलर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि ब्लू मार्बल कलर में हमारे पास ये फ़ोन है। तो दोस्तों ये फ़ोन मुझे बहुत ही प्रीमियम फील हो रहा है हाथ में। तो यहीं पे मैं बात करूँ इसके कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की, तो हमें यहाँ पर बैक साइड में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 ही है। और यहाँ पर मैं इसके वेट की बात करूँ, तो हमें यहाँ पर ये वेट 184 ग्राम का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ये 8.2 mm थिक है, जो कि स्लिम फोन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्क्रीन की बात करें हम यहाँ पर, तो इसकी स्क्रीन बहुत ही बेजल लेस, बिल्कुल 0 बेजल लेस हमें यहाँ पर इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 6.44 इंच की हमें यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिलती है। 2400x1080 pixels की हमें यहाँ पर इसकी स्क्रीन देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पे इस पे यूट्यूब चला रखा है, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि जो इसकी क्लैरिटी हमें यहाँ पर 4K वीडियो में हमें देखने को मिल रही है। तो ये फोन हमें 3 वेरियंट में हमें देखने को मिलता है, जो कि 6 GB RAM 64 GB का देखने को मिलता है, 8 GB RAM के साथ 128 GB देखने को मिलता है, 12 GB RAM 256 GB के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यही मैं प्रोसेसर की बात करूँ, तो हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिलता है, एड्रीनो 620 GPU देखने को मिलता है, और इसी के अंदर हमें यहाँ पर फोन 5G के अंदर इनेबल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये फोन होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, जो कि हमारे 5G नेटवर्क के साथ ही हमें देखने को मिलता है। इस फोन की मैं बात करूँ, तो इस फोन में जो रिफ्रेशिंग रेट है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा 90 Hz रिफ्रेशिंग रेट हमें यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलता है। यहीं पर ये फोन हमें एंड्रॉइड 10 पे देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है ऑक्सीजन OS 10.5। बैटरी की बात करूँ, तो हमें यहाँ पर बैटरी देखने को मिलती है 4115 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है, जो कि 30 वोल्ट चार्जर के साथ हमें देखने को मिलती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि 0 to 70 ओनली 30 मिनट्स में चार्ज कर देगी। तो यहीं पर मैं बात करता हूँ इसके रेयर कैमरा सेटअप की, जो कि हमें यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है 48 MP का, जो कि हमें सोनी IMX5 का हमें यहाँ पर लेंस देखने को मिलता है, जो कि OIS को सपोर्ट करता है। इसी के अलावा 8 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, 2 MP का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है, और 5 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही में फ्रंट कैमरा की बात करूं, तो हमें यहाँ पर ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि हमें 32 MP का IMX6 सेल्फी देखने को मिलती है। इसी के अलावा हमें 8 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आने वाली है बहुत ही बेहतरीन सेल्फी इस फोन के अंदर। फोन के बैक साइड की मैं बात करूँ, तो हमें कैमरा के साइड में हमें ड्यूअल LED फ्लैश देखने को मिलता है, बीच में हमें वन प्लस देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ हमें वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हम सेल्फी कैमरा से हम बना सकते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि हमें बहुत ही बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग में हेल्प होगी। इसी के बाद अगर बात करें पूरे ओवरऑल फोन की, तो हमें यहाँ पर बात करें बैटरी की, कैमरा की, डिस्प्ले की, या फिर इसके परफॉर्मेंस की, ओवरऑल हमें जो इसका कॉम्बिनेशन निकल के आता है बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है।
टिपिकल वन प्लस स्टाइलिंग के साथ ये फ़ोन के जो डिज़ाइन हमें देखने को मिल रही है बहुत ही बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसे हम किसी और फ़ोन से इसे बीट कर नहीं सकते। तो इस फ़ोन के अंदर हमारे पास कोई कमी देखने को मिल नहीं रही है, ये बहुत ही बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस के साथ, इसके एमोलेड डिस्प्ले जो इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, कलर्स जो इसके बहुत ही ज़्यादा निखर के निकल के आए हुए हैं, तो ये फ़ोन मुझे वन प्लस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में देकर बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।